नमस्कार, मैं विलास उरकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले के उपवासी चित्रकूट में होगा साधु संत समागम सम्मेलन। सूरज ब्रह्मे ने कहा, देश भर के साधु संत तथा पदाधिकारी होंगे कार्यक्रम में उपस्थित। नरेंद्र मोदी विचार मंच का उद्देश्य मिशन 2024 में 404 का आंकड़ा पार करने की सफलता को लेकर मंच कई वर्षों से काम कर रहा। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत की खुशी में नरेंद्र मोदी विचार मंच के तत्वाधान में 29 एवं 30 जून को मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित चित्रकूट की पावन धरा में साधु संत समागम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा। और भी देखिए आगे क्या कहा इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। ये जो है आपके जैसे हमने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसकी बार बन रही है और एक बड़ा साधु सत्संग सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए, कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा। देखिए, नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन 22 जून 2004 को किया गया था और उस समय माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, लेकिन ये नहीं मालूम था संगठन को कि आगामी समय में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ये आप लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने काम किया है पूरे देश में, वो ना इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने नहीं कर पाए और आने वाले प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाएंगे, ये सब पूरे देश की जनता देख रही है। लेकिन हम लोगों का जो था मिशन 2024 में 404 का आंकड़ा पार करने का, तो जो एग्जिट पोल आया है उससे तो लग रहा है कि 404 का आंकड़ा हम पार करेंगे और तीसरी बार माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? अच्छा, साधु संत समागम सम्मेलन 29 एवं 30 जून को चित्रकूट, जहाँ पे भगवान श्री राम जी अपने भार्य और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ 11.5 वर्ष बिताए थे, वो ऐसी पावन धरा है, इसलिए उस स्थान का हम लोगों ने चयन किया है। क्योंकि हमको मालूम था कि जिस आधार पर माननीय मोदी जी ने देश में काम किया है, उस काम के आधार पर हमें मालूम था कि तीसरी बार भी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और इसी खुशी में साधु संत समागम सम्मेलन का कार्यक्रम चित्रकूट के घाट में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के साधु सन्यासी वहां पर उपस्थित होंगे और नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के जो पदाधिकारी हैं और सारे जो 27 विंग के जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो सारे लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। और एक प्रकार से ये कहा जाए कि साधु संत समागम सम्मेलन का उद्देश्य खुशी मनाना है, क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने जाएंगे। कितने दिन का आएगा? ये 2 दिन का रहेगा, 29 और 30 जून को। इसके लिए हम 8 जून को मैं जा रहा हूँ और 8, 9 और 10 तारीख तक वहाँ पे 3 दिन का प्रवास रहेगा मेरा, और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष जो सुनील साकला जी वो भी आ रहे हैं, हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं बलदेव चौरागढ़ी जी उनको भी हमने बुलाया है, और वहाँ के जो अनसुई आश्रम के जो महंत हैं श्री श्री 108 श्री लल्ली महाराज जी, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे, उनके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम होगा। और हमारे जो भगवाधारी केशव महाराज जी हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमने वहाँ पे 5 लोगों की एक समिति बनाया है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील साकला जी हैं, बलदेव चौरागढ़े जी हैं, महेश निगोटिया जी हैं, लल्ली महाराज जी हैं और केशव महाराज जी, ऐसे 5 लोगों की हमने उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति तैयार किया है।